एक समय की बात है, मुंबई शहर में प्रीता नाम की लड़की अपनी माँ सरला के साथ रहती थी। सरला लोगों के घर में नौकरानी का काम किया करती थी, जिससे उनका घर चलता था। वहीं प्रीता स्कूल जाया करती थी। लेकिन प्रीता का फेस स्टोन काफी डस्की था, जिसे आसपास के लोग काली लड़की कहकर पुकारते थे। साथ ही साथ स्कूल में भी उसे अपने काले रंग को लेकर लोगों के काफी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग उसे कोयले से जोड़ देते तो कुछ लोग कहते कि इसे तो किसी की नजर ही नहीं लगेगी, ये तो पहले से ही काली है। लोगों की ये बातें प्रीता को बहुत बुरी लगती थी, जो अक्सर अपनी माँ से कहती कि माँ इतनी काली क्यों हूँ मैं। लेकिन सरला प्रीता को सिर्फ ये कहकर समझा दिया करती थी कि लोगों की पहचान उनके रंग रूप से नहीं बल्कि उनकी अच्छाई से होती है। और इसी तरह प्रीता लोगों की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। लेकिन एक बार जब प्रीता स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में स्कूल के पृथ्वी नाम के लड़के ने उसके काले रंग को देखते हुए उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। पृथ्वी के साथ उसका दोस्त करण भी था, जो उसे ये सब करने से मना कर रहा था, पर पृथ्वी तो किसी की सुन ही नहीं रहा था। और बेचारी प्रीता पृथ्वी की बदतमीजी सहन करते हुए स्कूल जाने की बजाय अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर फुसफुसा कर रोने लगती है। एक तरफ प्रीता के आंसू, दूसरी तरफ सरला उसे चुप करवाती हुई। तभी अचानक वहाँ करण पहुँचता है और प्रीता को चुप करवाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे सामने मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास करो अब तुम्हारे साथ ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे काले कलर को लेकर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। करण के बहुत चुप करवाने के बाद प्रीता के आंसू थमते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। इस पहले दिन ही दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे। इसी तरह अगला दिन आता है। अगले दिन प्रीता स्कूल जाने के लिए निकलती है, तभी रास्ते में उसे करण मिलता है और दोनों साथ मिलकर स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल पहुंचते ही प्रीता को पता चलता है कि करण स्कूल का सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का है। इसी दौरान प्रीता के सामने पृथ्वी आता है और घुटनों के बल बैठते हुए प्रीता से माफी मांगने लगता है। तभी प्रीता करण से कहती है कि ये सब क्या है करण, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पृथ्वी अचानक मुझसे माफी मांगने लगा। तभी करण कहता है कि उसने कल तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था ना, तुम्हारे काले कलर को लेकर, बस उसी का पश्चाताप कर रहा है, जो जैसा करेगा उसे भुगतना भी तो पड़ेगा ना, इसीलिए वो तुमसे माफी मांग रहा है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसे माफ करो या ना करो। यही सब कहने के बाद करण प्रीता का हाथ पकड़ता है और सभी के सामने जोरों से कहता है कि प्रीता अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अगर इसे आज के बाद किसी ने भी काली कहकर पुकारा या इसके काले रंग का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करण की बातें सुनकर प्रीता बहुत ज्यादा खुश होती है और आखिरकार उसी दिन से प्रीता को उसके काले रंग की वजह से चिढ़ाना लोग बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।